भारत के जम्मू और कश्मीर में पहाड़ी पर स्थित माँ वैष्णो देवी मंदिर की कहानी और महिमा के बारे में माना जाता है कि लगभग 700 वर्ष पहले माँ वैष्णो देवी के मंदिर का निर्माण एक ब्राह्मण पुजारी पंडित श्रीधर द्वारा किया गया था। हिंदू धर्म में वैष्णो देवी, जो माता रानी और वैष्णवी के रूप में जानी जाती है, देवी माँ का अवतार है। यह उत्तरी भारत में सबसे पूजनीय पवित्र स्थलों में से एक है। तो चलिए आज हम इसी पवित्र मंदिर माँ वैष्णो देवी जी के मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्य जानेंगे। जम्मू कश्मीर के उत्तर में 61 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र तट से 5200 फीट की ऊंचाई पर माँ की पवित्र गुफा स्थित है। माँ वैष्णो देवी यात्रा की शुरुआत कटरा से होती है। जम्मू से कटरा की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। कटरा से ही माता के दर्शन के लिए आपको निःशुल्क यात्री पर्ची मिलती है और यह 6 घंटे तक मान्य रहती है। बाणगंगा में यात्रियों के सामान की जांच की जाती है। चढ़ाई यात्रा के बीच में आपको जलपान, चाय, भोजन आदि का प्रबंध भी किया गया है। माँ के दर्शन के लिए रात भर यात्रियों की चढ़ाई का सिलसिला चलता रहता है। यदि आप पैदल यात्रा नहीं करना चाहते तो आप हेलीकॉप्टर और पिट्ठू भी किराए पर ले सकते हैं। कटरा से लगभग 14 मीटर खड़ी चढ़ाई के बाद ही माँ के भवन के दर्शन होते हैं। वैष्णो देवी ने जिस जगह बाबा भैरवनाथ का वध किया था, उस स्थान को माता रानी का भवन कहा जाता है। गुफा के अंदर कोई मूर्ति नहीं है, लेकिन इस जगह पर पत्थर की 3 प्राकृतिक संरचनाएं हैं जिन्हें पिंडी कहा जाता है। इस गुफा की लंबाई लगभग 30 मीटर और ऊंचाई 1.5 मीटर है। 3 पिंडियों में माँ काली, माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी पिंडी के मध्य में और गुफा में विराजित है। यहाँ दर्शन साल भर 24 घंटे खुले रहते हैं। गुफा के अंदर जिस स्थान पर माता विराजमान है, उसे गर्भ जून कहा जाता है। भैरवनाथ का वध करने पर उसका शीश भवन से 3 किलोमीटर दूर जिस स्थान पर गिरा, आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माँ से क्षमा याचना की, जिसके बाद माता ने उसे माफ कर दिया और भैरवनाथ को वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। यहाँ पर प्रतिवर्ष हजारों किलो सोने चांदी के आभूषण चढ़ाए जाते हैं। माता वैष्णो देवी मंदिर की सालाना आय लगभग 500 करोड़ है। यह देश में सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। जम्मू के कटरा में ऊंचे पहाड़ों पर बने इस मंदिर में साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। वैष्णो देवी मंदिर भारत में आंध्र प्रदेश के चित्तूर में स्थित तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद दूसरा सर्वाधिक देखे जाने वाला धार्मिक तीर्थस्थल है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 19 मई 2018 को मंदिर के लिए 7 किलोमीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े एक वैकल्पिक मार्ग को भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। इस मार्ग को बनाने में करीब 80 करोड़ रुपए की लागत आई थी। वर्ष 1986 के बाद से श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा इस तीर्थ स्थान का प्रबंधन और यात्रियों की यात्रा आरामदायक बनाने के उद्देश्य से विकासात्मक गतिविधियां संपन्न की जा रही है। बोर्ड द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए विभिन्न प्रकार के विकास कार्य यहाँ आए हुए दान से किया जाता है। कटरा व जम्मू के आसपास कई दर्शनीय स्थल हैं। यहाँ आप जम्मू की ठंडी वादियों का लुफ्त ले सकते हैं। जम्मू में अमर महल, भाऊ फोर्ट, मंसर लेक, रघुनाथ टेम्पल आदि भी देखने लायक है। जम्मू से लगभग 112 किलोमीटर की दूरी पर पटनी टॉप एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। सर्दियों में आप यहाँ स्नोफॉल का भी मजा ले सकते हैं। कटरा के नज़दीक शिवखोरी, झज्जर कोटली, सनासर बाबा धनासर, मानतलाई, कुद बटोटा आदि कई दर्शनीय स्थल हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।